नए एक फ्रेश वीडियो के साथ बने रहिए वीडियो में। और देखो दोस्तों कि इस प्रकार से आप थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं, वो भी क्रिकेट का थंबनेल। तो आपको मोबाइल से बनाना होगा, पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करना। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस फेस आएगा। यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे करके अपना ये सेलेक्ट करना है, यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करना है, थंबनेल सॉरी यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करना। कुछ इस प्रकार से आएगा, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फॉर्म गैलरी पे जाना है। फॉर्म गैलरी पे जाने के बाद आपको यहाँ से इमेज ले लेना है। इस प्रकार से आपको कहीं भी इमेज मिल जाएगा गूगल पर डाउनलोड करोगे तो इस प्रकार से सेट करके यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आ जाए, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फॉर्म गैलरी पे जाना है। जाने के बाद एक फ़ोटो ले लेना है, फ़ोटो ले लेना है, कुछ इस प्रकार से सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे शैडो दे देना है। शैडो देने के बाद बहुत अच्छा दिखने लगेगा। और इसके बाद यहाँ से इसको लॉक कर देना। लॉक करने के बाद फिर फॉर्म वाले गैलरी पे जाना है। यहाँ से जिस खिलाड़ी का अगर आप बनाना चाहते हो उस खिलाड़ी का यहाँ पे डाल देना है, कट करके डाल देना है। कुछ इस प्रकार से मैं जैसे बता रहा हूँ आपको ऐसे सेलेक्ट करना, इस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है छोटा करके, इसको ही ऐसे छोटा करके यहाँ पे रख देना। फिर प्लस वाला आइकन जाना है, फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको दूसरा खिलाड़ी का ले लेना है फोटो, दूसरे खिलाड़ी का भी फोटो हम ले लिए हैं। इसको भी छोटा कर देंगे, ये ऐसे इसके इस फोटो के बराबर कर देंगे, इसको इसको भी छोटा करके इस फोटो के बराबर कर देंगे। अपने हिसाब से देख लेना। फिर एक फ़ोटो और ले लेंगे, यहाँ से क्लिक करके फॉर्म गैलरी पे क्लिक करके यहाँ से एक फ़ोटो और ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ फिर भी रोहित शर्मा का, फिर भी इसको छोटा करके यहाँ से अपने हिसाब से फ़ोटो ले लेना आप। और मैं छोटा करके इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो गाइस ऐसे ऐसे लगाने के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, यहाँ ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लिख देना है। जो लिखना है आपको लिख सकते हो, मैं जैसे लिख रहा हूँ आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप। जैसे आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप चल रहा है उस पदर से मैं बता रहा हूँ आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप। और इसको थोड़ा सा आपको बड़ा कर देना है, ऐसे करके यहाँ पे ऑप्शन पे आके बड़ा कर देना। कुछ इस प्रकार से साइज यहाँ पे आपको रख लेना, कुछ इस प्रकार से अपने हिसाब से सेट कर लेना। रखने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे इसको शैडो दे देना है, इस फोटो को इस इमेज को यहाँ पे शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से आएगा कि जो यहाँ पे आपको फॉन्ट पे चले जाना, फॉन्ट पे आपको कोई कौन सा भी फॉन्ट आपको दे देना। देने के बाद आपको कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिक करके ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद आपको यहाँ से जो आप कलर रखना चाहते हो अपने, इसे छोटा कर देना है, इससे हल्का सा छोटा करके रख सकते हो, इस प्रकार से रख सकते हो। इसको अगर आपको कलर चेंज करना होगा तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कौन सा भी कलर दे सकते हो। तो मैं इस कलर रख देता हूँ। रखने के बाद आपको इसको शैडो का ऑप्शन दे देना, शैडो देने से अच्छा दिखने लगता है दिया हुआ है शैडो। और फिर इसके बाद दूसरा यहाँ पे क्लिक करके दूसरा टेक्सचर लेते हैं। लेने के बाद आपको फिर ऑप्शन पे चले जाना है, तो आपको जो लिखना है फिर लिख सकते हो। मैं तो लिखा हूँ आईसीसी वर्ल्ड कप स्टार्ट, अब लिख देते हैं शुरू कब होगा। हिंदी में इसको लिख देते हैं। हिंदी में लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ सेट करने के बाद इससे भी हल्का सा बड़ा करके यहाँ पे आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा डाउनलोड किया हूँ फॉन्ट, अब कुछ इस प्रकार से फॉन्ट डाउनलोड किया हूँ मैं, जो अच्छा लगता है मैं वह रख देता हूँ। जैसे मैं ए फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से इसका भी साइज बढ़ा करके हल्का यहाँ पे सेट करेंगे। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो इसको भी आपको शैडो दे देना। शैडो देने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है। शैडो देने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो बैकग्राउंड रखना चाहते हो उस बैकग्राउंड को रख सकते हो, आराम से रख सकते हो आप।
अच्छे से। तो कुछ इस प्रकार से आप थंबनेल बना सकते हो दोस्तों, जैसे मैं बना रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से आप थंबनेल बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कहीं मैं जाना, देखते रहना वीडियो 46 इन बात करते हैं।